सारे देश में इस सेक्टर ऑयल और गैस सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, परंतु उड़ीसा में बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स अभी और आने वाले हैं। यदि हम अभी की स्थिति देखें तो पिछले 6 वर्षों में 25 बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, जिनमें टोटल 40,322 करोड़ की हुई है, और इस समय 34 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कार्य चल रहा है, और ये टोटल 77,331 करोड़ बन जाता है, और अभी 10 और बड़े प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं, टोटल 92,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। सो इस प्रकार से यही सेक्टर जिसमें मंत्रालय के जो PSUs हैं उन्हीं की तरफ से लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट या तो कंप्लीट हुए हैं या काम चल रहा है या आगे होने वाले हैं। अब यदि हम स्टैटिस्टिक्स की ओर ध्यान दें तो इस समय उड़ीसा में 2068 रिटेल आउटलेट्स हैं, 952 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 161 कैरोलर्स हैं, और अर्बन पॉपुलेशन के लिए पेट्रोल डीजल LPG ये सभी देने के लिए पूरा नेटवर्क प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड है। आज हमने ये भी रिव्यू किया है कि क्या यहाँ पे स्टॉक के यदि कभी कोई शॉर्टेज हो जाए, या वैसे शॉर्टेज तो नहीं होती है लेकिन यदि कोई भी इमरजेंसी हो तो पेट्रोल डीजल की सप्लाई इफेक्ट तो नहीं होगी, और यही पाया है कि यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और ये सप्लाईज प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाईज रेगुलर यहाँ मिलती रहेंगी, कहीं शॉर्टेज या कहीं कोई बॉटलनेक आने का कोई इशू नहीं है, इंक्लूडिंग जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे सप्लाई है। अतिरिक्त एक मेजर रिफाइनरी है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 47,36,000 को भी नेक्स्ट फेज बजट अनाउंसमेंट हुआ है, और नेक्स्ट फेज में 1 करोड़ और कनेक्शंस दिए जाने हैं पूरे देश में। सो उसमें अभी जो छूट गए जिनको कनेक्शन नहीं मिला उनको अब आगे बेनिफिट हो सकेगा। इस प्रकार जो मैंने बताया कि इसमें आ रही है और उसमें रिफाइनरी एक्सपेंशन परादीप रिफाइनरी है, उसमें मेजर एक्सपेंशन हो रही है, उसमें आगे विस्तार से CMD साहब बताएंगे। नाथपा क्रैकर है, पेटको गैसिफिकेशन है, और एक जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ आ रहा है उड़ीसा में वो पेट्रोलियम रिजर्व्स का है, जो कि चांडीकोल में बनना प्रस्तावित है। उसकी लैंड एक्विजिशन के बारे में भी आज हमारी मुख्य सचिव से चर्चा हुई, क्योंकि वो लैंड अभी एक्वायर होना है, उसमें 400 एकड़ लैंड चाहिए और 200 एकड़ टेम्परेली चाहिए। ये हमारे देश में अभी हमने 3 जगह स्ट्रेटजिक पेट्रोल रिजर्व्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए हैं। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब ये होता है कि यदि कोई इमरजेंसी हो जाए तो अब हमारे पास ऑयल होना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की कमी ना आए। तो अभी फेज 2 बनना है हमारे देश में। फेज 2 में 2 एरियाज चुने गए हैं, एक यहीं उड़ीसा और दूसरा पाडूर है, और जो यहाँ बना है उसकी कैपेसिटी 4 मिलियन मेट्रिक टन है, जो कि देश का सबसे बड़ा स्टोरेज होगा, अंडरग्राउंड स्टोरेज होगी, और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ये बनेगा जिसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और सी से क्योंकि पोर्ट के नज़दीक इसको इसीलिए बनाते हैं क्योंकि बड़े वेसल से क्रूड लाना होता है, और उसके बाद जो ये क्रूड है वो पाइपलाइन के थ्रू किसी रिफाइनरी से भी कनेक्टेड होना चाहिए ताकि उस क्रूड को आगे कहीं ना कहीं रिफाइनरी में यूज़ भी किया जा सके। प्रदीप की जो रिफाइनरी है उसको भी इससे सपोर्ट मिलेगी, इसलिए ये प्रोजेक्ट जल्दी बन पाए इसके लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं, और क्योंकि देश का सबसे बड़ा स्टोरेज होगा तो ये बहुत प्रेस्टीज बात होगी कि यहाँ पे
इतनी बड़ी स्टोरेज आएगी। उसके अतिरिक्त एक बड़ा काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन उड़ीसा में बड़े व्यापक स्तर पे लगाया जा रहा है। पूरे देश में ही अब हम गैस बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि जी ने भी ये अनाउंस है कि हम नेचुरल गैस को अधिक इस्तेमाल करें। अभी 6.3% प्राइमरी एनर्जी नीड नेचुरल गैस से मीट हो रही है, इसको हमने 15% पे ले जाना है, क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो एनवायरनमेंट के लिए डीजल इत्यादि या कोल इत्यादि के मुकाबले में ज़्यादा बेटर है और वैसे हैंडल करना भी उसको सेफ है। तो इसको करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे देश में बिछना है, पहले शहरों में बिछना है। तो जैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, घर घर कनेक्टेड है पावर से, वैसे ही हर एक घर, हर एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, हर एक फैक्ट्री नेचुरल गैस की पाइपलाइन से कनेक्ट हो, ये प्रयास है। तो उड़ीसा में 9 क्षेत्रों में उड़ीसा को बांटा गया है और ये जो क्षेत्र हैं ये टेंडर के किसी न किसी कंपनी को अवार्ड कर दिए गए। वो अभी पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। पहले मेन पाइपलाइंस लगती हैं, स्टील नेटवर्क जिसको बोलते हैं, और उसके आगे फिर घर घर तक ये कनेक्शंस जाते हैं। ही आगे सीएनजी स्टेशंस लगते हैं, तो सीएनजी स्टेशंस में भी अभी बहुत व्यापक विस्तार होगा। तो अभी उड़ीसा में सीएनजी स्टेशंस की संख्या मैं आपको बता देता हूँ, फिगर 25 है। हाँ, अभी इस समय 25 है। बसेस और फोर व्हीलर्स अधिक से अधिक सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएं, सीएनजी भी एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर है, इसलिए इस मोड करने के लिए प्राइस कम है, सरकार द्वारा टैक्स कम है ताकि इसका बेनिफिट रहे। तो जैसे ही ये नेटवर्क एक्सपैंड होगा तो सीएनजी स्टेशंस भी अधिक मात्रा में आ जाएंगे, और विशेष करके जो बड़े शहर हैं उनमें सभी में सीएनजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। तो सीएनजी गाड़ियां में यदि कोई जाना चाहता है या चेंज चाहता है तो करना चाहिए, क्योंकि जैसे ये स्टेशन आते हैं तो गाड़ियां भी होंगी, तो दोनों तरफ एक बेनिफिट हो जाएगा। गाड़ियां भी अवेलेबल होंगी और जो स्टेशन खुलेंगे उनको एक मार्केट भी मिलेगी। तो आज हमने ये भी रिव्यू किया कि ये इस समस्याएं आ रही हैं कई जगह, क्योंकि इसमें पाइपलाइंस शहरों में लगानी होती हैं, म्यूनसिपल बॉडीज़ को परमिशंस देनी होती हैं, राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और परमिशंस जल्दी मिल रही हैं। कुछ जगह उनके छोटे प्लांट आने हैं, उसके लिए जगह चाहिए, तो वो सब कार्य चल रहा है। अगले 2-3 वर्ष में बहुत व्यापक चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये नेटवर्क काफ़ी हद तक बिछ जाएगा। उसके लिए जो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कार्य है वो ये है कि जिससे पाइपलाइन से नेचुरल गैस उड़ीसा में पहुंच पाए वो कंप्लीट हो। तो ये आशा ये है कि दिसंबर इसी वर्ष तक, इस वर्ष के एंड तक उड़ीसा में मेन पाइपलाइन आ जाएगी और नेचुरल गैस उड़ीसा में पाइपलाइन के द्वारा पहुंच जाएगी। अभी तो जो गैस दे रहे हैं वो टैंकर में ला रहे हैं, वो यहाँ पे सीधी उपलब्ध नहीं है तो टैंकर में ला रहे हैं। तो ये पाइपलाइन के माध्यम से गैस उपलब्ध हो जाएगी दिसंबर तक, और उसके बाद फिर ये नेटवर्क जैसे लग जाएंगे तो ये सीधा कनेक्शन हो जाएगा और पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध हो जाएगी। एक और क्षेत्र जिसमें पूरे देश में ही प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं ही बहुत ज़्यादा इस पर इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो है बायोफ्यूल्स। सो बायोफ्यूल में 2-3 टारगेट एरियाज हैं। एक तो है कंप्रेस बायोगैस। कंप्रेस बायोगैस का फ़ायदा ये है कि कोई भी एग्रीकल्चर रेजिड्यू, चाहे वो राइस स्ट्रॉ हो, राइस हस्क हो, या कोई और भी कुछ भी वेस्ट हो, चाहे मक्की का वेस्ट हो, वेस्ट इसमें यूज़ होना है, और इवन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट यूज़ हो सकता है और इससे बायोगैस बनती है। बायोगैस जो है वो भी मीथेन होती है और नेचुरल गैस भी मीथेन होती है, तो नेचुरल गैस में ही ये ब्लेंड हो सकती है या अलग से भी यूज़ हो जाएगी। सीएनजी के बराबर की सेम ही चीज़ है ये। तो अभी
16 प्लांट्स लगने के लेटर ऑफ इंटेंट्स दिए गए हैं, परंतु उड़ीसा में कम से कम 200 प्लांट्स लगने का पोटेंशियल है, कम से कम, उससे भी ज़्यादा लग पाएंगे। तो आज राज्य चर्चा ये हुई है कि इसमें राज्य सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि ये किसानों से रॉ मटेरियल आना है, उसके बाद इन्हीं प्लांट्स से गैस भी बनती है और इससे फर्टिलाइज़र भी बनता है, जो है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र बनता है, और वो नेचुरल फर्टिलाइज़र वापस फार्मर्स के पास जा सकता है। हमारी कंपनीज़ का काम ये है कि जो भी गैस बनेगी वो हमारी कंपनियां प्रोक्योर करेंगी, और एक फिक्स रेट है, उस रेट पे प्रोक्योर करेंगी, तो इससे जो भी फार्मर है उसकी इनकम ऑगमेंट होगी और एक प्लांट यहाँ लगने की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। दूसरा जो एरिया वो है इथेनॉल, पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है हमारे पूरे देश में। इस समय हम जो पेट्रोल बेच रहे हैं वो ज़्यादा E10 है, यानी कि 10% उसमें इथेनॉल होता है। उड़ीसा में अभी पूरे तरह से ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे इथेनॉल के प्लांट लगे नहीं, परंतु उड़ीसा में हमारी अपनी जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो भी प्लांट लगा रही हैं। IOCL एक प्लांट लगाएगी, BPCL ऑलरेडी एक 2G इथेनॉल का प्लांट लगा रही है और एक अभी और लगाएगी, और HPCL भी एक प्लांट लगा। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर से लगभग 10 प्लांट के करीब शायद प्राइवेट सेक्टर में भी लगेंगे। तो ये इथेनॉल भी एक फार्मर्स को बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि सरप्लस राइस या ब्रोकन डैमेज राइस और मेज़, इससे इथेनॉल बन सकता है। उसकी प्रोक्योरमेंट भी एक फिक्स रेट पे हमारी कंपनियां करेंगी, और एक रेगुलर इनकम जो भी इसको बनाएगा उसको होगी। तो ये मेजर चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इस स्टेट में स्किल इंस्टीट्यूट है, जो कि ICL चलाता है, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत ही बड़े अच्छे स्तर पे बना हुआ है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें प्रोडक्ट पाइपलाइंस हैं और कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, वो उस पर भी इन्वेस्टमेंट। ये रिफाइनरी के बारे में आप थोड़ा सा देंगे। आज IOCL के पास लगभग 9 रिफाइनरीज हैं। आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 9 रिफाइनरीज इस देश भर में चल रही हैं, उसमें 2015 से पारादीप रिफाइनरी जब कमीशन हुई है वो इंडियन ऑयल की सबसे आधुनिक, और मॉडर्नता देखने के लिए एक इंडेक्स होता है कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, तो पारादीप का कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 12.5 है, 12.5, जो इस देश में सबसे ज़्यादा है। और पारादीप रिफाइनरी की पोजीशन इतनी स्ट्रेटेजिक है, नॉट ओनली फॉर बट अगर साउथ ईस्ट एशिया में भी मुझे एज ए एक्सपोर्ट हब बनाना है तो पारादीप का लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए पारादीप में हमने नैरो डाउन किया है कि इसकी कैपेसिटी एक्सपांशन बढ़नी चाहिए, तो अभी हम लोग एक डीपोर्ट बना रहे हैं जिससे पारादीप की कैपेसिटी 15 मिलियन आज है, 15 मिलियन टन पर एनम, वो हम 25 मिलियन तक ले जाएंगे। और इसमें पेट्रोकेमिकल्स भी रहेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि आजकल जो रिफाइनरी और क्रूड के जो क्रैक्स है, प्रोडक्ट्स और क्रूड के क्रैक कम चल रहे हैं आजकल। एक ज़माने में डीजल और क्रूड का क्रैक्स $12-14 होता था, आज वो मुश्किल से $3। अभी जो क्रैक है, मतलब क्रूड के प्राइस और पेट्रोल के प्राइस का जो डिफरेंस है, वो भी एक ज़माने में 10 के ऊपर होता था, $10 पर बैरल, आज वो भी चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इंडियन ऑयल कॉन्शियसली पेट्रोकेमिकल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो पेट्रोल इंटेंसिटी है उसका कितना प्रतिशत मैं पेट्रोकेमिकल बनाऊंगा, तो हम लोग लगभग 15-20% टारगेट कर रहे हैं। पारादीप में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरी है उसके साथ बहुत सारे पेट्रोकेमिकल ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, PTA, PG, ग्लाइकॉल, पॉलीप्रोपिलीन, और अभी हम लोग जो एक्सपांशन करेंगे उसमें भी ये सारे पेट्रोकेमिकल्स आएंगे। उससे क्या होगा, रिफाइनरी का डीरिस्किंग होता है कि अगर क्रैक्स मेरे ख़राब हैं तो भी पेट्रोकेमिकल से मेरा बिजनेस इज़ डीरिस्क्ड, तो एक तो वो फ़ायदा है। दूसरा, हमारे देश में बहुत सारा पेट्रोकेमिकल अभी इम्पोर्ट, इंडिया का अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन देखेंगे दैट इज़ ओनली 10 kg ऑफ पेट्रोकेमिकल्स पर एनम पर पर्सन, ग्लोबल एवरेज इज 30, तो आप समझ सकते हैं देर इज़ अ बिग स्कोप टू इम्प्रूव अपॉन द कंजम्पशन ऑफ। ये फाउंड किया है कि इसमें सबसे बेस्ट लोकेशन है, एंड ओडिशा इज़ अ वेरी ग्रोइंग स्टेट। अगर आप देखेंगे
कंपेयर टू द लास्ट 7-8 ईयर्स जो नेशनल एवरेज ऑफ ग्रोथ है उससे ओडिशा का ग्रोथ रेट ज़्यादा रहा है। तो ओडिशा इज अ ग्रोइंग, यहाँ बहुत ही रैपिड ग्रोथ थी, इसलिए हमने पारादीप, तो यहाँ एक वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी आएगा, एक नाफ्ता क्रैकर प्लांट भी आ रहा है, रिफाइनरी एक्सपांशन के साथ एक नाफ्ता क्रैकर भी आ रहा है। नाफ्ता क्रैकर मीन्स इट इज़ अबाउट टोटली अबाउट पेट्रोकेमिकल्स। आज IOC में पानीपत में एक नाफ्ता क्रैकर कॉम्प्लेक्स है, अभी दूसरा पारादीप में बनेगा। और क्या हो रहा है कि हमारा जो एक टर्मिनल है गैस टर्मिनल, जब वो कमीशन हो जाएगा तो सारी मेरी ईस्ट कोस्ट की रिफाइनरीज जो हैं, दैट इज़ पारादीप, हल्दिया, बरौनी, यहाँ जो मैं आज नाफ्ता यूज़ कर रहा हूँ एज अ फ्यूल, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सारा नाफ्ता अवेलेबल होगा प्लस नाफ्ता फ्रॉम द एक्सपोर्ट केमिकल्स। तो हम लोग एक वर्ल्ड क्लास नाफ्ता क्रैकर भी लगाने जा रहे हैं। तो आज जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा, वी हैव स्पोकन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लैंड, तो ऑलरेडी हमने अप्लीकेशन दिया है लैंड का, वेरी अप्रिशिएट इन एक्सपांडिंग द पारादीप रिफाइनरी एंड द पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, एंड दे हैव अश्योर्ड कि ऑल द रिक्वायर्ड लैंड विल बी प्रोवाइडेड टू अस। तो ये दो चीज़ें हैं। और एक हम नया एक और एक प्लांट ला रहे हैं भद्रक में, जो है हमारा टेक्सटाइल बन रहा है उधर, IOC का जो मोनोइथ है जो पारादीप में बनेगा, और PTA प्लांट जो वो भी पारादीप में बनेगा। तो PTA और MEG मिलके टेक्सटाइल्स बनता है, टेक्सटाइल यार्न। तो IOC एक नए वर्टिकल में जा रहा है, वैसे हमारा रोल नहीं है टेक्सटाइल का, बट अभी हम नए वर्टिकल में जा रहे हैं। तो भद्रक में हम एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाए, और ये सारे जो मैं बता रहा हूँ उसकी डाउनस्ट्रीम जो इंडस्ट्रीज आने की पोटेंशियल बहुत है, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, कि एक बार टेक्सटाइल यार्न बने तो वहाँ डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स बहुत आ सकते हैं। सिमिलरली पारादीप में जो प्लास्टिक पार्क बन रहा है या PCPIR बन रहा है, उसमें बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल्स गिवन बाय आवर रिफाइनरी, वहाँ बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ है। तो पूरा ओडिशा का जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो है, दैट विल अंडरगो अ बिग चेंज। सो दैट इज़ द मेन पर्पज, अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट्स बट ऑल्सो जनरेटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे मेजर प्लान्स हैं पारादीप के लिए। और जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा, सी हैज़ इन्वेस्टेड हेवी, उसके बाद अबाउट ये 70-80,000 करोड़ के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं। तो आई एम श्योर सारे काम ऑन ट्रैक चल रहे हैं। सो 23-24 या 24-25 तक ये सारे प्रोजेक्ट्स विल बी कमीशन्ड।